हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की आज की अध्याय में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन का यूज़ करना, ऑटो करेक्ट और ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन का यूज़ करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टाइप करते हैं, उसमें हम कुछ गलत शब्द भी टाइप करेंगे, कहीं हम ज़्यादा स्पेस भी दे देंगे, तो वो यदि हमसे गलती हो जाती है तो हम कंप्यूटर के हेल्प से यानी एमएस वर्ड में ग्रामर के हेल्प से, स्पेलिंग के हेल्प से हम उसे कैसे करेक्ट करते हैं ये देखते हैं। चलिए हम पहले पैराग्राफ एक टाइप करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखिए गलत टाइप करेंगे, PURPUSE लिख देते हैं, पर्पस का स्पेलिंग, स्पेस जैसे ही दे रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं हुआ है। अभी चलिए हम और टाइप करते हैं थोड़ा, हम डिवाइडेड का भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, सेवन में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो जहाँ भी आपका रेड अंडरलाइन आ रहा है वो आपका क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। अभी हम कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, देखिए यहाँ स्पेस देन अगेन स्पेस देते हैं और हमारा ये स्पेलिंग सही है, लेकिन जो है क्या होगा आपको यहाँ पर जब हम इतना ही अभी टाइप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ब्लू अंडरलाइन आ रहा है। तो रेड अंडरलाइन से मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक और ब्लू अंडरलाइन का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, या आपने यहाँ पर स्पेस दिया हो या जो भी एरर है वो अभी हमें ये सजेस्ट करेगा। उसके लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम कीबोर्ड से यहाँ F7 प्रेस करते हैं, फंक्शन की जो होता है वहाँ पर F7 कर देते हैं। यहाँ राइट साइड में ध्यान दीजिए, पहला आपका देखिए स्पेलिंग एरर आ रहा है कि पर्पस का स्पेलिंग के लिए यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा है PURPOSE। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ हम चेंज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए हमने यहाँ डिवाइडेड का स्पेलिंग गलत लिखा था, तो यहाँ हमें कुछ सजेशन दिया जा रहा है जैसे डिवाइड डिवाइडेड, तो हमें बुक के अनुसार यहाँ पर डिवाइडेड लिखना है, तो हम यहाँ डिवाइडेड को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम चेंज करेंगे तो डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम डिवाइडेड सेलेक्ट कर लेंगे देन चेंज पर क्लिक कर देंगे, ये सही हो गया। फिर यहाँ सेवन के स्पेलिंग में देखिए हमारा पहला ही सही है, यहाँ हम चेंज कर देते हैं। देन यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, डबल स्पेस हमने दे दिया था, यहाँ पर सिंगल स्पेस के साथ है, ये ऊपर देखिए आपका लिखा है ये ग्रामर एरर है, तो यहाँ हम नीचे चेंज कर देते हैं, ओके कर देंगे। देखिए हमारा सारा जो है अभी सही हो चुका है, जो भी अंडरलाइन था वो खत्म हो चुका है। अभी हम एंटर करके फिर से कुछ कुछ जो है अलग से वर्ड टाइप करते हैं, उसमें देखते हैं हमारा कुछ एरर आता है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं एप्पल, APPLE एप्पल होता है, हम यहाँ पर APLE कर देते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पर रेड अंडरलाइन आ रहा है, मतलब ये एप्पल तो होता नहीं है, ये स्पेलिंग हमारा मिस्टेक है, ग्रामर में नहीं है ऐसा वर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा मेथड है, यहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे एप्पल के पास, तो आपको यहाँ पर सजेशन दिया जाएगा इसमें से कौन सा आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं। तो एप्पल का स्पेलिंग APPLE होता है, तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा जो है करेक्ट हो गया, एंटर करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, किसी प्लेस का नाम लिखते हैं जो तो डिक्शनरी में होता नहीं है, तो वहाँ पर भी आपका अंडरलाइन आएगा। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कोई जगह का नाम लिखते हैं, ये जैसे हमने एक जो है गांव का नाम लिखा, ये गांव सही में है, स्पेलिंग भी सही है, फिर भी यहाँ पर रेड अंडरलाइन आ रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, यदि आप इसे डिक्शनरी के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से ये अंडरलाइन नहीं आएगा रेड वाला, या आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहीं पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन होता है इग्नोर ऑल और नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऐड टू डिक्शनरी, ये स्पेलिंग हमारा सही है तो हम यहाँ कर सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी। अब जैसे ही हमने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, अब जब भी हम ये वर्ड टाइप करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे अंडरलाइन कभी भी नहीं आएगा, ये स्पेलिंग हमारा सही है, ऐसा हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी का। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा अक्षर हो जो हम बार बार स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो वो हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक स्पेलिंग लिखते हैं एरोप्लेन की, AEROPLENE कर देते हैं, ये तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है। यदि हम ऐसा करें तो अभी देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, यहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सजेशन दे रहा है एरोप्लेन का स्पेलिंग ये या एरोप्लेन्स लिखना है, तो हम यहाँ एरोप्लेन कर देते हैं, इस तरह से ठीक हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा यदि एरोप्लेन की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता है, यहाँ पर ई लगा देता है, तो वो ऑटोमेटिक से करेक्ट करके ANE कर दे,
उसके लिए आपको क्या करना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज़ करना होता है। हम यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर आपको जाना है प्रूफिंग में, देन यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ रिप्लेस में आपको गलत जो वर्ड बच्चा टाइप करता है बार बार वो स्पेलिंग लिखनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई आर ओ पी एल ई एन ई, यही वाला बच्चा लिखता है। विद में हम करेक्ट जो स्पेलिंग है वो लिख देते हैं ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, देन ऐड ऐड पर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे, देन नेक्स्ट ओके। अब यहाँ हम फिर से गलत स्पेलिंग लिखते हैं ए ई आर ओ पी एल ई एन ई, जब हम यहाँ पर स्पेस या एंटर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक से हमारा जो स्पेलिंग है वो सही हो गया, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर से हम लिख कर देखते हैं ए ई आर ओ पी एल ई एन ई, एंटर कर देते हैं इस बार तो फिर से देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई नाम आपका बहुत बड़ा है, उसे आपको बार बार लिखना होता है, तो उसके लिए भी आप शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हम क्या करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी स्कूल का नाम बार बार लिखना होता है या कोचिंग का नाम बार बार लिखना होता है, तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर फाइल में आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ जो है प्रूफिंग में आएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में, यहाँ रिप्लेस में। जैसे हमें अपने कोचिंग का नाम जनरल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा है, यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं जी सी टी सी, ठीक है। बच्चा यदि कोई जी सी टी सी टाइप करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक से वहाँ पर आ जाए जनरल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, यहाँ हम ऐड कर देंगे, देन ओके कर देते हैं ओके। अब देखिए कभी भी हमें पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, हम यहाँ पर जी सी टी सी लिखेंगे, जैसे ही हम स्पेस करेंगे तो यहाँ देखिए पूरा हमारा लिखा हुआ आ गया जनरल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। फिर से देखिए हम यहाँ पर जी सी टी सी लिखते हैं, एंटर जैसे ही कर देंगे तो ये हमारा पूरा लिखा हुआ आ गया। आपको ये बार बार जो है ये इतना बड़ा स्पेलिंग लिखने का ज़रूरत नहीं होगा हम। ओके थैंक यू।